हेलो लर्नर्स, लेट्स मेमोराइज ट्रिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो वेदेमी के इस ट्रिक सीरीज में आज हम बात करने जाएंगे मोड ऑफ एक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक, लेट्स मेमोराइज एंटीबायोटिक मोड ऑफ एक्शन विद ट्रिक सीरीज। ओके, तो ट्रिक सीरीज में मोड ऑफ एक्शन जनरली जो है वो दो तरह के हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मोड ऑफ एक्शन जो होता है एंटीबायोटिक का, वो क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उनके प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है, उनको किल नहीं करता, उनके प्रोलिफरेशन, उनके ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और एक बार जब ग्रोथ कंट्रोल होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद काम करता है और उनको वहाँ से बैनिश करने का काम करता है, एक बार अगर ग्रोथ कंट्रोल हो गई। जबकि बैक्टीरियोसाइडल क्या करते हैं, वो इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनका काम सीधा है कि एक बार मिले और एनकाउंटर कर दिया। तो बैक्टीरियोसाइडल का काम ये होता है कि उनने सीधे बैक्टीरिया को मिलते ही इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया, कोई जेल वेल में रखने का प्रोसेस नहीं है। बैक्टीरियोस्टैटिक इस तरह का है कि वो जेल में रखता है ना, लेकिन बैक्टीरियोसाइडल जेल ले जाने का प्रोसेस ही नहीं, सीधा देखा और ख़त्म, खल्ला। तो बैक्टीरियोसाइडल ये काम करता है। तो अभी अगर बैक्टीरियोस्टैटिक देखें, बैक्टीरियोस्टैटिक तो उसमें जो क्लासेस आते हैं एंटीबायोटिक के क्लासेस आते हैं, वो होते हैं मैक्रोलिड्स, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। ओके, तो ये चार चीज़ें हैं। अब इनके लिए हम याद रख सकते हैं MST, जिससे याद रख सकते हो मैक्रोलिड्स, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, चलो चलो से याद रख सकते हो क्लोरमफेनिकॉल, और टिक से याद रख सकते हो बैक्टीरियोस्टैटिक। तो टिक 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 आ रहा है ना, तो आपको याद हो जाएगा कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक थे। तो बैक्टीरियोस्टैटिक के लिए याद रख सकते हो मस्त चलो टिक टिक टिक, मस्त चलो टिक टिक टिक। तो मस्त में आप ए मत घुसा देना, ए घुसा देने से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि माइनोग्लाइकोसाइड तो नहीं है, तो ए नहीं घुसाना आपको, बस MST याद रखना है कि मस्त चलो टिक टिक टिक। वो जो मैसेज का लैंग्वेज होता है ना MST, मस्त ऐसा वैसे मस्त चलो टिक टिक टिक। तो ये आपको याद हो जाएगा मैक्रोलिड, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल, ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। उसके बाद जो बात करेंगे वो होगा बैक्टीरियोसाइडल का। बैक्टीरियोसाइडल में क्या है, वैंकोमाइसिन जो कि एक ग्लाइकोपेप्टाइड है, पेनिसिलिन, फ्लोरोक्विनोन्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड, सिफेलोस्पोरिन और कार्बापेनिन। ओके, तो अब ये जो है इसके लिए हम याद रखेंगे कार से फुर क्वीन ने वैनिला पेन केक खाया। तो कोई क्वीन थी, वो फुर हो गई कार से और कहीं जाके फिर उसने क्या खाया, वैनिला पेन केक खाया। कार से फुर क्वीन ने वैनिला पेन केक खाया। ठीक, तो कार जो है वो कार्बापेनिम्स के लिए है, से जो है से कार से, यहाँ पे SE नहीं यूज हो रहा है, आपको याद रखना है CE यूज हो रहा है। तो कार से जो जा रहा है कार, कार्बापेनिम से सिफेलोस्पोरिन, फुर क्वीन जो यूज हुआ है वर्ड वो फ्लोरोक्विनोन्स के लिए है, क्या है, फ्लोरोक्विनोन्स के लिए है, फुर क्वीन जो है वो फ्लोरोक्विनोन्स के लिए है। वेनिला मतलब वैंकोमाइसिन, वेनिला से हमको याद रखना है वैंकोमाइसिन, और पेन से पेनिसिलिन। तो अब आपको याद हो जाएगा कार से फुर क्वीन ने वेनिला पेन केक खाया। ठीक, तो इस तरह से आपको ये जो बैक्टीरियोसाइडल के हैं वो याद हो जाएंगे कि वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन, फ्लोरोक्विनोन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स, ये जो हैं ऐसे याद रखना है। तो है तो छोटा सा ट्रिक बट हेल्प कर सकता है ना, कहीं भी हेल्प कर सकता है आपको आराम से। कहीं भी आपको पेनिसिलिन दिखा मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि ये बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, क्या है पूछा है, तो आपने फटाक से टिक कर दिया अगर आपको याद है कि पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल है। ऐसे ही अगर आपको मस्त चलो टिक 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 याद है और वहाँ पे ऐसा कोई पूछ लिया कि टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, साइडल है, तो आप याद मस्त MST याद है आपको, चलो टिक 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 मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो टेट्रासाइक्लिन है, चलो याद है तो क्लोरमफेनिकॉल का मोड ऑफ एक्शन पूछा तो आपको पता होगा कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो इस तरह से ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं, इजी ट्रिक्स हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।